वेलकम टू करी स्वीट्स बेकिंग विथ मी इन अफ्रीका। आज हम बनाएंगे वनीला स्पंज केक एगलेस। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेनर में हम लेंगे 4 कप मैदा। साथ ही डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून साल्ट। और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला के छान लेंगे। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। अब एक और बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। सबसे पहले 1/3 कप ऑयल लेंगे। ट्रेडिशनली इसमें बटर जाता है, लेकिन मैं ऑयल के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो 1/3 कप बटर ले सकते हैं। और साथ ही डालेंगे 1.5 कप पाउडर शुगर। मैं इसमें क्रीम लगाने वाली हूँ, इसलिए मुझे कम मीठा रखना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 कप शुगर लें। इसके बाद मैंने लिया 1 कप योगर्ट और कर्ड। ध्यान रखें आपका दही फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसके बाद डालेंगे फ्लेवरिंग के लिए 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। मैं फ्रेशनेस के लिए इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लाइम जूस आल्सो। अब सभी चीज़ों को एक विस्क की सहायता से आपस में मिला लेंगे अच्छी तरह, जब तक कि ये मिश्रण होमोजीनस ना हो जाए। अब इसमें डालेंगे 300 ml मिल्क, इसको भी मिला लेंगे। अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए हैं और इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले तैयार करके रखे थे उनको कट एंड फोल्ड मेथड से धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से मिक्स करें। ध्यान रखें कि हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनीगर। विनीगर जो है वो इसको राइज होने में हेल्प करता है, और इससे ये एगलेस केक है तो इसकी सहायता से ये काफ़ी लाइट बनता है। इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे तरह से। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ मैंने एक 9 इंच के केक मोल्ड को ग्रीस करके बटर पेपर से लाइन करके रेडी किया हुआ है, और इसमें हम अपना बैटर पोर कर देंगे। बैटर डालने के बाद मोल्ड को हल्का सा टैप करेंगे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। इस केक को तैयार होने में 40 मिनट्स का समय लगता है। बेकिंग टाइम आपके ओवन पर भी डिपेंड करता है, ये 5 और 4 मिनट हियर एंड देयर हो सकता है। यहाँ हमारा केक बेक होके रेडी हो गया है। केक पूरी तरह ठंडा हो जाने पर अब हम इसकी आइसिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने टॉप जो है ब्राउन हो गया था जो, उसको कट करके निकाल दिया है। इसके बाद मैंने केक को 4 स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइसेस आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, थिक और थिन। यहाँ मैंने नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करके तैयार कर लिया है। और सबसे पहले केक डिस्क में नीचे हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, फिर इसके बाद हम अपनी एक लेयर रखेंगे। जिस पर थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएंगे, फिर इसमें क्रीम की हल्की सी एक लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर साथ ही मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं, तो मैं थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स डाल दूंगी। वापस से थोड़ी क्रीम डाल के इसे लेवल कर देंगे, ताकि दूसरी लेयर बराबर से बैठे इसके ऊपर।
अब दूसरी लेयर लगाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले क्रीम लगाएंगे, फिर उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स और फिर और क्रीम डाल के उसे लेवल कर देंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए सारी लेयर्स को एक के ऊपर एक अरेंज कर लेंगे। सारी लेयर्स अरेंज होने के बाद केक को चारों तरफ से क्रीम से कोट कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर आप जैसी चाहें वैसी डेकोरेशन कर सकते हैं।